हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक अपने इस मराठी के सब्जेक्ट में, एंड वो है चित्र संबंधी बोला। इसका मतलब है कि हम किसी भी पिक्चर को जब देखते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम किसी पिक्चर्स को देखेंगे और उसके बारे में हम एक सेंटेंस में बोलेंगे या बताएंगे, पर ये हम करेंगे मराठी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे एक लड़की तैर रही है, तो हम उसे मराठी में कैसे बोलेंगे? तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में हम कहते हैं समीरा इज स्विमिंग, और वही सेंटेंस हम मराठी में बोलेंगे समीरा पोहते। चलिए दूसरी पिक्चर की ओर। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लड़की दूध पी रही है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किशोरी इज ड्रिंकिंग मिल्क, और वही मराठी में किशोरी दूध पीते। हम यहाँ पे बच्चों के नाम ले रहे हैं ताकि उनकी जेंडर और उनकी एक पर्सनालिटी क्रिएट हो। हम अ गर्ल अ बॉय बोलेंगे तो वो कॉमन जैसे डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उससे उनकी एक स्पेशल क्वालिटी हमें बाहर नज़र आती है। तो इसलिए जहाँ पे भी हम किसी बॉय गर्ल को देखेंगे तो हम उन्हें एक नाम या उनके लिए एक स्पेशल नेम डिसाइड करके उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लड़की बस में से उतर रही है, तो हम उसके लिए एक सेंटेंस फ्रेम करेंगे और वो है नीता इज गेटिंग डाउन द बस। तो वो मराठी में उसका डिस्क्रिप्शन होगा नीता बस मधुन उतरते। नेक्स्ट हमारा पिक्चर है, हो कितना क्यूट लगता है ना ये, और जो काम कर रहा है वो बहुत ही शरारती है। तो चले इसके सेंटेंस बनाते हैं। महेश टोर द पेपर, मतलब महेश पेपर फाड़ रहा है, तो इसका मराठी उच्चारण है महेश ने कागज फाड़ला। हो ये तो उससे भी क्यूट है, तो इसका क्या सेंटेंस हम बनाएं? तो देखते हैं, मनीष इज मेकिंग अ फोर्ट, मतलब मनीष नाम का लड़का एक किला बना रहा है, फोर्ट बना रहा है, तो उसका मराठी ट्रांसलेशन है मनीष किला बनाओ। तो पिक्चर को देख के हमें ये पता चल रहा है कि मनीष नाम का लड़का किला बना रहा है। तो यहाँ पे विमान है एरोप्लेन, जो कि आपको स्काई में दिख रहा है, आकाश में दिख रही है, तो वही हम इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। और यही अगर हम मराठी में बोलें तो वो है विमान आकाशात उड़ते। यहाँ पे तो देखिए एक कुत्ता अपने ही फ्रेंड के पीछे दौड़ रहा है, मानो जैसे उसे भगा रहा हो और फिजिकल एक्टिविटी करा रहा हो। तो चले इसकी सेंटेंस बनाते हैं या फ्रेम करते हैं। अ डॉग इज़ चेजिंग राजू, और इसकी मराठी उच्चारण है राजूच्या मागे कुत्रा धावतो। वाव कितना क्यूट लग रहा है, जिस तरह के से वो लेट कर पढ़ रही है वैसे शायद ही हम कभी करते हैं। तो हीना इज रीडिंग द स्टोरी बुक, हीना गोष्ठी च पुस्तक वाचते। आहा मुझे भी नींद आ रही है अभी,
after Dinu is sleeping on the bed. और इसका मराठी फ्रेमिंग है, दीनू पलंगावर झोपला आहे. हम भी जाते हैं ना सुबह उठकर नहाने के लिए, वैसे यहाँ पे एलिफेंट भी गया है नहाने के लिए. तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सेंटेंस फ्रेम करते हैं, साहिल इज़ बेटिंग द एलिफेंट. और मराठी में साहिल हत्तीला अंगोल घालतो, तो साहिल नाम का लड़का हत्ती को स्नान करा रहा है. कितनी खुश दिख रही है ना, आप भी खुश हो जाते हो ना ऐसे खेलते हुए. तो चलो इसका सेंटेंस बनाते हैं. मधुरा इज प्लेइंग विद स्किपिंग रोप. और मराठी में मधुरा दोरी वरच्या उड्या खेळते. दोनों न जाने कितने गप्पे मार रहे हैं आपस में, बहुत हंसी आ रही है लोगों को. तो चले इनके लिए भी एक सेंटेंस बनाते हैं. अभय एंड मीना आर चिट चैटिंग विद वन अनदर. मतलब अभय और मीना ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसी का हम मराठी का सेंटेंस फ्रेम करेंगे. अभय अनि मीना गप्पा मारत आहे. तो शायद अभी आपको इतने सारे सेंटेंसेस में देखकर, इतने सारे पिक्चर्स को देखकर आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर का क्या इंटेंशन है. यानी कि हम जब भी पिक्चर देखते हैं तो हम उसके बारे में बात करना चाहिए, उसे फ्रेम करना चाहिए. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चनर्स आपके लिए हैं जो देखकर आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करना होगा मराठी में, जो कि बहुत ही सिंपल होना चाहिए. तो ये रहा हमारा पहला पिक्चर. तो इस तरह से हम सारे पिक्चर्स को देख लिए हैं. तो अभी आपको फ्रेम करना है सिंपल से सेंटेंसेस और अपने बुक्स में उतारना है. तो यहाँ का सेशन अभी यही ख़त्म होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.